आप लोगों ने क्रिस्पी फूड में स्वागत है। देखिए आज हमने बनाया है केले की जो है टेस्टी सब्जी। देख सकते हैं हमारी केले की सब्जी कितनी टेस्टी बनी है। इस तरह आप ज़रूर बनाएं केले की सब्जी। दोपहर के खाने में भी हो सकता है, नाश्ते में भी हो सकता है, आप जब मन तब खा सकते हैं। इस तरह बनाने के लिए आप मेरे वीडियो को अंत तक देखें। आज हम केला की सब्जी बनाने जा रहे हैं। अभी केले की सब्जी में हम केला जो छील के काट लिए, इसमें जीरा, गुलकी, धनिया और गुंडी मिर्च तीखा के लिए, सारे मसाले मतलब आप डाल दीजिए। हल्दी डालिए, हो गया। सारे मसाले डालने के बाद इसको हल्का ही नमक डालिए, बाद में हम और नमक डालेंगे। देखिए इसको मिक्स कर लीजिए। इसको ठंडा बहुत ज़्यादा लग रहा है, इसलिए हाथ से नहीं मिला रही है। केले देखिए आप जिस तरह भी काट सकते हैं, बट हम लंबे लंबे शेप में काटे हैं। ऑयल है हमारी गर्म हो चुकी है, देखिए ऑयल कितना ज़्यादा खाते हैं हम लोग। अब केले को हम फ्राई कर लेते हैं। देखिए दोस्तों केले को हम जिस तरह फिश तैयार करते हैं मछली तल के, उसी तरह इसको भी तल लेना है। ये देखिए दोस्तों केले को हम ऊपर नीचे कर लेते हैं ताकि चारों तरफ से फ्राई हो जाए। ये देख सकते हैं हमारे केले इतने हो चुके थे, निकाल लिए हैं, डाल दिए हैं। फिर से इसे आधा प्याज, एक टमाटर, लहसुन और मिर्च, इसका पेस्ट है जो हम केले के भुजिया में डालने वाले हैं। सब्जी में देखिए सब्जी होने वाली है, बट इतना केला हो चुका है। केले देखिए हम निकाल लेते हैं। केले कितनी अच्छी तरह पक गई, बीच से फट गई है। हमारे केले सारी फ्राई हो चुकी है, लाइए लाइए देख सकते हैं। सरसों को फौरन डाल देते हैं। अब हम ये जो आधा प्याज काट के हम फ्राई कर लेते हैं। में हम सारे मसाले ऐड कर देते हैं, जैसे कि हल्दी, गुंडी, जीरा पाउडर, गोलकी, धनिया, थोड़ा सा और तीखा हम उससे तीखा नहीं होगा, तीखा भी करना है इसमें। मिर्च पीसे हैं और पीसे हैं, इसमें थोड़ा सा हम तीखा डालें क्योंकि तीखा हमें खाने पसंद नहीं है। अब ये देखिए दोस्तों हमारी प्याज जो है लमसम फ्राई हो ही चुकी है, इसका कलर चेंज हो चुका है। मसाले जो पीसे हैं वो डाल देते हैं। पानी डालिए थोड़ा सा। ये देखिए हम मसाले डाल दिए हैं, इसको इसमें डालिए पहले, इसको ढक्कन लगा लीजिए। दूर है जी साइड से, इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिए, उसको हम मिक्स करके मसाले सारे पानी डाल देते हैं सब्जी में, आई मीन मसाले इसमें। मसाले को हम फ्राई कर लेते हैं। कश्मीरी मिर्च डाल देते हैं, उसका कलर है जो सब्जी को बहुत अच्छी आती है। ये देखिए दोस्तों हम मसाले को फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स मसाले जो है चिरकने लगे हैं। हमारे मसाले देखिए फ्राई हो चुकी है, बिल्कुल कलर चेंज हो गया। नमक नहीं डाले, कम नहीं डाले थे, उसमें डाले थे। अब इसको सब्जी डाल देते हैं। अब ये देखिए छः तो जुटा रहा है, इसमें नमक डाल देते हैं। नमक पहले भी डाले थे, हल्का नमक ही डाल रहे हैं। अब इसमें चालीस 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 रुपये मेला में हम
मेरे पास सेम है, डंटिया लंबा है। पहले इसमें पानी डालो, चलाएगा। अब इसमें देखें दोस्तों, मसाले जो है केले में मिक्स हो चुकी है। देखिए हम पानी डाल दे रहे हैं। हमारी सुबह से स्टार्ट होती है किचन से, उसके बाद घर सफाई होगा। कितना प्यार से क्या डाल रहा है, भून दे रहे हैं मसाला। केलवा तो सूख गया है। देखने में कोई नहीं बताता नहीं जल अजी भूला के ना देखो ये भी कितना है, बढ़िया है। और बढ़िया नहीं है, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया नहीं हुआ है आपके लिए, नहीं हुआ है, हो गया। चलिए अब इसको धनिया उन्हें डाल दिया, चलिए अब इसको सुखा लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सब्जी मुँह बाल आने लगी है। अब इसको हम फिर से ढक करके दिखाते हैं आपको। पत्ती डाल देते हैं, क्यों टेस्ट आ जाएगा। ये रेडी हो चुकी है फ्रेंड्स। अब इस पर हम धनिया पत्ती ऊपर से छिड़क दे रहे हैं ताकि इसका टेस्ट। अभी हम धनिया पत्ती जस्ट अपने खेते से तोड़ के लाए हैं। अब थोड़ा सी इसमें तिक्खा चिकन मसाला डाल देते हैं टेस्ट के लिए। हो गया है हमारी सब्जी रेडी। चलिए अब इसको खा के देखते हैं कैसा बना है। हमारी सब्जी हो चुकी है,